नमस्कार, सरोज द एप्रेन गर्ल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरे मटर से बनने वाला हरा भरा मटर कबाब रेसिपी, जो बनने में है बहुत ही आसान और खाने में लगता है बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हम सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप हरे मटर ले लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप किया है। आप इसे चाहे तो मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा सा पीस सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ये 3 टेबलस्पून के करीब सूजी यानी रवा लिया है। ये बारीक वाली सूजी है, आप इसमें बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये मैंने 3 चम्मच के करीब ही चावल का आटा लिया है। तो चावल का आटा आप मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास घर पे नहीं है तो आप चावल को पीस के उसका आटा मिक्सी में पीस लीजिए, तो उसका आटा भी यूज कर सकते हैं। इससे जो हमारे कबाब में है वो काफी क्रिस्पी बनाता है चावल के आटे से। इसके साथ ही मैंने लिया है ये 2 हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में ही मैंने 1 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया लिया है, इसे भी मैंने कट कर लिया है। अब इसमें ऐड करने के लिए मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने नमक लिया है। नमक स्वाद अनुसार यूज करेंगे। इसके साथ ही मैंने ये लिया है अजवाइन, ये 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन है। लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है, ये घर का बना हुआ लाल मिर्च का पाउडर है। इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है, ये भी 1/2 छोटा चम्मच लिया है। ये गरम मसाला पाउडर है 1/2 छोटा चम्मच, और हल्दी पाउडर ये भी 1/2 छोटा चम्मच लिया है। तो आइए अब अपने कबाब बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक खाली बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप किए हुए मटर। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। अब जो हरी मिर्च हमने कट करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ही डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने जो अजवाइन ली है उसको इस तरह से हाथों से क्रश करके तब हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अभी देखिए, मैंने इसे आटे की तरह गूंद के डो तैयार कर लिया है, और इतना इसको गूंदने में लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब पानी लगा है। अब हम इसको ढक देंगे, और ढक करके लगभग 10 मिनट तक हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि सूजी और जो चावल का आटा हमने इसमें डाला है वो अच्छे से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर ले और अच्छे से सूजी जो है फूल। तो अभी 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आटे को थोड़ा सा गूंद लेते हैं। देखिए, आटा जो अच्छे से सेट हो गया है, सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब इसे हम थोड़ा सा मसल लेते हैं, और अब हाथ पे इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे ऐसे रोटी के जैसे लोई बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे, और फिर इसे कोई भी शेप दे देंगे। तो आप अपने पसंद की इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से इसको दबा देंगे, इस तरह से बना करके हम तैयार कर लेंगे सारे। इसे एक प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए, मैंने सारे कबाब को बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हम गरम कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, और फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इस ऑयल को थोड़ा सा फैला देंगे, और अब इसे गरम होने देंगे। तो तेल गरम हो गया है, अब हम अपने तैयार किए हुए कबाब को फ्राई कर लेंगे। एक बार जितने आएंगे उतने हम एक बार मिक्स में डाल देंगे, और हम एक साइड से अच्छे से सिकने के बाद ही हम इसको पलटेंगे। तो अभी आप इसको कच्चे को नहीं पलटेगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो अभी एक साइड से जब अच्छे से सिक जाएंगे तब हम इसे दूसरी साइड पलटेंगे। ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए, और ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से फ्राई हुए हैं, अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हमें अब दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेना है।
तो इसको फ्राई करने में लगभग हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम को ज़्यादा तेज नहीं रखना है और अभी दूसरी साइड से और फ्राई कर लेते हैं। तो अब इनको दूसरी साइड से भी मैंने लगभग 3 मिनट तक पका लिया है और ये काफ़ी अच्छा सा कलर इन पर आ गया है। बस अब हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई से निकाल देते हैं और एक टिश्यू पेपर पर हम इनको निकाल देते हैं सभी को। और अब हम बचे हुए कबाब को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड बैच हमने फ्राई करने के लिए इसमें डाला था वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने सभी कबाब को प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे हरे मटर के हरे भरे कबाब बनकर के तैयार हैं। आप इन्हें ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।